उसके काफ़ी रीजन्स हैं। अब तक के आए हुए रीजन्स में से कॉमन रीजन्स है कि हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड्स अगर किसी ने लिया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या फिर लो डोज ऑफ स्टीरॉयड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी लिया है। बाद में सिकल सेल डिसीज नाम का एक बीमारी है जो ब्लड का बीमारी है, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से एवियन होता है। आरोग्य जागृति। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कपिल पोरे साहब से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेडिकवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक के माध्यम से काम किया जा रहा है। आज हम इन्हीं से बात करने वाले। आज का विषय है हमारा बोन डेथ, AVN। AVN क्या होती है, बोन डेथ क्या होता है, इसी के बारे में हम डॉक्टर कपिल पोरे सर से डिटेल्स में जानकारी लेना चाहेंगे और हम दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे। चलिए डॉक्टर कपिल पोरे सर से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आरोग्य जागृति में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इसके पहले भी आपने हमें, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी मालूम दी थी, जानकारी दी थी, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे AVM। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल पोरे, मैं 5 साल से औरंगाबाद में ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बोल के काम कर रहा हूँ। लास्ट जनवरी 2021 से मैं मेडिकवर हॉस्पिटल औरंगाबाद, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट हेड बोल के काम कर रहा हूँ। आज आरोग्य जागृति के मार्फत मुझे बोलने का मौका दे, इसलिए मैं सबसे पहले आप आरोग्य जागृति के और सारे दर्शकों के धन्यवाद देता हूँ। आज का टॉपिक है बोन डेथ। दिस बोन डेथ तो वैसे ही पुराना टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स में, अवेस्कुलर नेक्रोसिस या ऑस्टियो नेक्रोसिस ऐसे हम मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं। लेकिन ये टॉपिक लास्ट 1.5 ईयर में ज़्यादा करके चर्चा में है, उसका रीज़न कोविड है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस माने हमारे शरीर के अंदर की बोन की डेथ होना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस ब्लड सप्लाई। अब तक काफ़ी पेपर्स इस पे ऊपर आए हैं। कोएगुलोपैथी माने शरीर के अंदर खून की गठन बनना, ये कोविड के बाद बहुत कॉमनली देखा गया है। बोन ही नहीं, कार्डियक, स्ट्रोक, शरीर के बाकी ऑर्गन्स, GI में कॉम्प्लिकेशंस, ये बिकॉज ऑफ कोएगुलोपैथी यानी शरीर के अंदर खून की गठन बनने की वजह से बहुत सारे सिस्टम्स को शरीर के अफेक्शन होता है, उसके साथ में ही बोन्स पे अफेक्शन देखा गया है कि उसको बोन डेथ बोलते हैं। सर, AVN के कारण क्या है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है? यस, देखिए बोन डेथ होना वैसे कॉमनली सबसे ज़्यादा अगर किस बोन में देखा गया है तो वह है हिप जॉइंट, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। लेकिन उसके साथ में नी में, पटेला में भी, टैलस यानी जो हमारे एंकल का बोन है उसमें भी, और शोल्डर और हाथ के कार्पल बोन्स, ये भी अनदर साइड से जहाँ पे बोन डेथ होता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। क्योंकि हिप जॉइंट इज द वेट बेरिंग जॉइंट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, सो इस जॉइंट और इसका जो सप्लाई है वो मेडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज का एक एनास्टोमोसिस चैनल रहता है, उसके थ्रू इस हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई होता है। उसके काफ़ी रीजन्स है। अब तक के आए हुए रीजन्स में से कॉमन रीजन्स है कि हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड्स अगर किसी ने लिया है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या फिर लो डोज ऑफ स्टीरॉयड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी लिया है। बाद में सिकल सेल डिसीज़ नाम का एक बीमारी है जो ब्लड का बीमारी है, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है और उसकी वजह से AVN होता है। HIV के पेशेंट्स में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीज इनहिबिटर नाम के कोई एंटीवायरल, रेट्रोवायरल जो मेडिकेशंस बोलते हैं वो फिजिशियंस देते हैं। उसके बाद में हाइपरलिपिडीमिया होके भी टेंडेंसी देखा गया है कि AVN होता है। अगर गाउचर्स डिसीज़ नाम का एक डिसीज़ है उसकी वजह से भी AVN हो सकता है। उसके बाद में किसी को अगर हिप डिसलोकेशन हुआ है, किसी का अगर फीमर यानी जो हमारा कुल्ले का जॉइंट है वो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा गिरने की वजह से टूटा हुआ होगा, तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। उसके अनदर रीज़न कोई डायबिटीज़ है पेशेंट को, बाकी के रीजन्स में अभी जो नए में थे, मैंने अभी जैसे हमें मैंने बोला कि कोविड
कोविड की बीमारी होने की वजह से भी शरीर में मेरे पास मेरे ओपीडी में 22 साल का 29 साल का 31 ईयर्स का फार्मासिस्ट इवन 27 ईयर का फार्मर ऐसे बैड लक के लिए बहुत यंग पेशेंट्स में भी ये कोविड की वजह के बाद इसका बोन डेथ का परसेंटेज बढ़ा है, जिसकी वजह से एवियन ये आज की तारीख में ऑर्थोपेडिक्स एंड पर्टिकुलरली जॉइंट रिप्लेसमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा एक इशू हो गया है। और हम सब जानते हैं कि कोविड इज़ बाय एनलार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ एवियन काफ़ी बढ़ गए। सर अभी हम देखते हैं सांधेवात के जो पेशेंट होते हैं कि जॉइंट्स पेन होते हैं और काफ़ी बहुत से पेशेंट में जैसा वेट ज़्यादा होने की वजह से भी जॉइंट्स पेन होते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंट लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। इस ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहें? देखो सांधेवात ये तो सालों से मालूम हुई बीमारी सबको ही मालूम है और उसमें जॉइंट पेन होता है सबसे ज़्यादा, स्मॉल जॉइंट्स लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। द बेस्ट एडवांटेज इन 2020 सेंचुरी कि रिसेंटली लास्ट 20 ईयर्स में संधिवात के अगेंस्ट यानी संधिवात को हम ज़ीरो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं कि संधिवात हम पूरी तरीके से मिटा पाए, लेकिन एडवांस मेडिसिन अवेलेबल है जिसकी वजह से संधिवात की लेवल ये हम इस लेवल पे ला सकते हैं कि पेशेंट का डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छी तरीके से वो कर पाए। और अर्ली ट्रीटमेंट लेने की वजह से और रेगुलर ट्रीटमेंट लेने की वजह से जो जॉइंट्स का डिफॉर्मिटी तैयार हो जाता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। चूँकि जॉइंट का डिफॉर्मिटी अवॉइड कर सकते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो संधिवात को नज़रअंदाज लोगों ने नहीं करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट जल्दी भी चालू करनी चाहिए और रेगुलरली भी लेनी चाहिए। लोगों को ये वर्ड भी मालूम नहीं है, जैसा मेडिकली सब डॉक्टर्स को पता होगा लेकिन जनरल लोगों को नहीं पता, तो इसके लक्षण क्या होते हैं सर और इसका उपचार किस तरह किया जाता है, जैसा कि ऑपरेशन ही है इसका उपचार है या मेडिसिन से भी कवर किया जाता है? यस, देखो एवियन जैसे मैंने बोला काफ़ी जॉइंट्स में शरीर के अफेक्शन इसका हो सकता है, लेकिन चूँकि मोस्ट कॉमन जॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में बहुत इसका जो अफेक्शन है वो उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो होता क्या है कि पेशेंट को अर्ली स्टेजेस, इसके कुल मिला के 4 स्टेजेस आते हैं जो मेडिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन बैड लकीली स्टेज 1 पेशेंट को पता ही नहीं चलती क्योंकि उस स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आते। इसके लक्षण क्या रहते हैं कि अगर हिप जॉइंट में एवियन होना चालू हो गया जो मैंने रीजंस बताए उसके हिसाब से, सो पेशेंट को हिप जॉइंट होता है जिसको हम सी टाइप पेन बोलते हैं, हिप के अराउंड में एट आइदर इन द ग्रॉइन आइदर इन द थाई आइदर इन द पोस्टियर साइड ऑफ द हिप जॉइंट, वहाँ पे इसको पेन होता है। फिर अर्ली स्टेज से जब ये मॉडरेट लेवल पे आने लगता है तो पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें ये पेन बढ़ता है और ये पेन जो है ये चलने के बाद ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स अ वेट बेयरिंग जॉइंट, वेट बेयरिंग होने की वजह से जब पेशेंट चलता है तो उसको वेट लोडिंग ज़्यादा होता है और वो पेन बढ़ना चालू हो जाता है। तो सेकंड स्टेज जो है मॉडरेट स्टेज, उस स्टेज में पेशेंट जनरली हमारे पास जब आता है पेशेंट ओपीडी में वो ऑलमोस्ट स्टेज 2 या स्टेज 3 लेवल में रहता है। स्टेज 2 को आई कैन कोट कि इट्स अ मॉडरेट लेवल, स्टेज 2 टू स्टेज 3। तो स्टेज 2 के लेवल में जब पेशेंट मेरे पास आता है तो वो पर्टिकुलर बताया कि सर मुझे पिछले 3 महीने से पिछले 6 महीने से यहाँ पे पेन हो रहा है, मैंने लोकल की पेन किलर्स दवाइयाँ ले ली और फिर वो कम हुआ और फिर से बढ़ गया। सो इस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन रहता है। सो हम एक्सरे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायग्नोज इट। सो एक्सरे में जनरली अगर पेशेंट स्टेज 3 या 4 में मेरे पास प्रेजेंट हुआ तो एक्सरे में कोई चेंजेस जैसे क्रेसेंट साइन हम बोलते हैं स्कैलोपिंग, बोन जो फीमरल हेड है उसका कोलैप्स होता है वो स्टेज 3 के आगे होता है, लेकिन स्टेज 2 के लेवल में पेशेंट को सिर्फ पेन दिखता है, एक्सरे देखने में एकदम नॉर्मल दिखता है। सो उस लेवल में सस्पिशियस क्लिनिशियन, मतलब जो क्लिनिशियन इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करता है पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो इसके स्पेशलिस्ट है, दे कैन वो हिस्ट्री लेने लेके पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री कैसे पेन चालू हुआ और उस पेन का कारण क्या हो सकता है वो करके एक्सरे देख के वो ये इमेजिन कर सकते कि नहीं पेशेंट नीड्स MRI। सो दैट क्लिनिशियन टेक्स अ कॉल कि वेदर पेशेंट शुड गो फॉर MRI और नॉट। फिर MRI में वो पेशेंट की स्टेज निकल के आती है स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में इस डिसीज़ को डायग्नोज कर पाए सो कोई सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल है जैसे बिसफॉस्फोनेट्स कैल्शियम्स और अभी स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एवियन इस टर्म के लिए नए कुछ मेडिकेशंस आए हुए PDE5 इनिबिटर सिल्डेनाफिल जैसे, तो वो मेडिकेशंस देके इस पर्टिकुलर नेक्रोसिस का अगर प्रोग्रेशन 50 की स्पीड से चल रहा हो तो हम उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। और अनदर थिंग कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 लेवल में
पेशेंट को डायरेक्टली कोई बड़ी सर्जरी नहीं लगती, एक कोर डिकॉम्प्रेशन नाम का ऑपरेशन आता है जिसमें ड्रिल होल करके उस एवियन एरिया यानी वो फ्यूमरल हेड का जो एरिया है उसके ऊपर का प्रेशर हम कम डाउन। जैसा बताया सर, एवियन की जांच किस तरह किया जाता है और सर ये कुछ अनुवंशिक प्रकार होता है क्या? नहीं, एवियन ये कोई अनुवंशिक प्रकार नहीं है। ओनली बैड लक के लिए अगर पेशेंट को जिनका हाइपरलिपिडेमिया सिंड्रोम यानी जो फैट एम्बोलिज्म एक वन ऑफ द थेरी है जिसकी वजह से एवियन होता है, अगर जेनेटिकली किसी लीनेज में अगर हाइपरलिपिडेमिया हो तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें वो फैट लिपिड्स होके एवियन हो सकता है, बट एज पर से इस अनुवंशिक नहीं है। और इनकी जो जांचें हैं उसमें मैंने बोला कि प्रथम प्राइमरली पेशेंट कमिंग टू माय ओपीडी जो हिप पेन के साथ से आते हैं उनको हम पहले एक्सरे करते हैं, एक्सरे और हिस्ट्री और क्लिनिशियन उनका एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है कि वेदर वी शुड गो फॉर MRI और नॉट। एंड MRI इज़ द मोडेलिटी इन विच वी कैन पिकअप अर्ली एवियन, मतलब एवियन की जो पहली स्टेज है वो हम MRI में पिकअप कर सकते हैं। सो MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मोडेलिटी फॉर टू डायग्नोज अ वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। सर जैसे ट्रीटमेंट में अपने पास क्या अवेलेबल है यहाँ पे और उसको किस तरह का खर्चिक होता है क्या? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने एक बार अभी बताया भी, स्टेज वन और स्टेज टू इन इसमें डायग्नोज करना, इसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि जो यंग लोग हैं खास करके एज जिनका 40 से कम है, अगर उनको हिप पेन चालू हो गया और उन्होंने इसको जल्दी डायग्नोज कर लिया तो इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट रादर हम अवॉइड करते हैं। स्टेज वन और स्टेज टू में एडवांटेज ये है कि कोर डिकॉम्प्रेशन यानी ड्रिल करके छोड़ना और वो जो गैप है उसमें बीमैक बोन बीमैक बोल के सपोर्ट सिस्टम आती है और स्टेम सेल्स और फिबुला ग्राफ्ट, ऐसे कुछ मोडेलिटीज डिफरेंट है जो कोर डिकॉम्प्रेशन करने की वजह से फ्यूमरल हेड के अंदर का प्रेशर कम होता है और ये जो सब्स्टिट्यूट्स हम बोन सब्स्टिट्यूट्स जो बोला मैंने अभी वो सारे बोन सब्स्टिट्यूट्स हम उसमें डालते हैं जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता। सो विद दिस मोडेलिटी जो पेशेंट का अगर ये ऑपरेशन ना करेंगे तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन शायद साल या दो साल बाद करना पड़े, पॉसिबली वी कैन गिव देम मोर 10 ईयर्स ऑफ लाइफ, 10 टू 15 ईयर्स। जब फिबुलर ग्राफ्ट या बोन सब्स्टिट्यूट्स करेंगे और कोर डिकॉम्प्रेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद में 5 से 10 साल उस जॉइंट की लाइफ बढ़ती है। सो अगर हमने अप टू द एज ऑफ 40 अगर ये कर दिया सो एटलीस्ट 50-55 तक पेशेंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन नहीं बोला जाता। लेकिन स्टेज थ्री और स्टेज फोर उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है सो उस लेवल के स्टेजेस को ये कोर डिकॉम्प्रेशन का ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बोन का लॉस बोन का कोलैप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, जिस पे वजन दे के हम चलते वही एरिया का लॉस चालू हो गया। सो उसमें डायरेक्टली टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन ही इलाज है। सर जैसा बताया कि एवियन जो वर्ड जो है तो आप समझ सकते कितना घातक है, हानिकारक है, अब बहुत से पेशेंट उस पर नज़रअंदाज करते हैं, अगर उस पर वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो ऐसे में उनको क्या बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा शरीर का? हाँ देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तो आपको बात समझ गई कि ये बोन डेथ है, बोन डेथ होने की वजह से और हिप जॉइंट पे हम वज़न दे के चलते हैं सो सबसे बड़ा लॉस उनका ये होगा कि अगर ये बोन डेथ होने के बावजूद अगर वो ऐसा चलेंगे तो सबसे पहले वो पेन के साथ सफ़र होंगे, पेन के साथ साथ बाद में चल के हिप जॉइंट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब हिप जॉइंट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है तो चेयर पे बैठना, आलती पालती मांडी डाल के बैठना, हमारे मुस्लिम पेशेंट्स है वो नमाज़ के लिए बैठते हैं, हिंदू पेशेंट्स है वो मांडी डाल के बैठते हैं, तो इन पेशेंट्स में ये सारी डेली एक्टिविटीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसके बाद में लिम्पिंग, वो पेशेंट का चलना ये नॉर्मल नहीं रहता, जब एक एडवांस एवियन जब डिसीज़ बहुत आगे के लेवल पे चला जाता है तो कोलैप्स ऑफ फ्यूमरल हेड होने की वजह से दो पैरों का जो लेंथ है उसमें भी फर्क आना चालू हो जाता है और उसमें लिम्पिंग होता है, पेशेंट चलते वक्त ऐसा लचक के चलता है। इस बीमारी का दूसरा सिस्टमिक कोई अफेक्शन नहीं होता, पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ है उस पर इसका इफेक्ट होता है। अगर ये यंग एज में हुआ बैड लक के लिए, जैसे ये कोविड के बाद में बहुत यंग एज में हमने देखा है, सो पेशेंट का डेली एक्टिविटीज़ में हैम्पर होने की वजह से, पेशेंट का हिप जॉइंट पे अफेक्शन होने की वजह से उसका वो वर्किंग है
वो ऑफिस में काम करता है, वो प्रेस में कहीं पे भी काम करता है, उसका वर्किंग और फाइनेंशियल हर एक चीज़ हैम्पर हो सकता है क्योंकि उसकी वर्क इफिशेंसी कम हो जाती है। और इसको अगर अर्ली डायग्नोस किया तो इस पर कोर डिकॉम्प्रेशन का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ये लेट स्टेज में है और उसको अगर अपने टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कर लिया तो उसके बाद में फंक्शनल लॉस पेशेंट का नहीं होता। टोटल हिप रिप्लेसमेंट अप टू द एज ऑफ 50-60 जिसने भी कर लिया हो उसके बाद में उसका फंक्शनल लॉस नहीं होता, पेशेंट कैन वॉक नॉर्मली और वो सारे फंक्शंस उसके नॉर्मल। सर आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा भी कोविड ने सब तरफ अहंकार मचा चुका है और इसी में काफ़ी लोग सफ़र हो चुके जिसने ट्रीटमेंट भी ले चुकी है जहाँ पे स्टेरॉइड का ज़्यादा उनको दिया गया है, तो ऐसे इसमें पेशेंट को क्या मतलब बोन्स पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपना आगे हेल्थ के लिए प्रिकॉशन ले। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बैड लक के लिए कोविड इस बीमारी के लिए लार्ज नंबर ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स हो, फिजिशियंस हो, कोविड ट्रीटिंग फिजिशियंस हो, उनके हाथ में भी बहुत सारे ऑप्शंस ना होने के लिए स्टीरॉयड का यूज़ हुआ है, करना ही पड़ा। और उसके बाद में पर से कोविड के इन्फेक्शन की वजह से भी कोएगुलोपैथी, मतलब कोविड के इन्फेक्शन से भी शरीर में बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी होती है, और उसके बाद में स्टीरॉयड का यूज़, इन दोनों की वजह से बोन डेथ के परसेंटेज आना चालू हो गए। अभी जो भी पेशेंट्स को हिप पेन या बाकी बोन पेन है सबसे पहले उन्होंने जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए और उसके रिलेवेंट जो स्ट्रेटिफिकेशन है मतलब ग्रेडेशन, अगर मुझे ये बीमारी है और ये अगर मेरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं तो वो उसका कारण ढूंढना चाहिए। अगर कोविड होके गया है उसके बाद में उनको पर्टिकुलरली हिप जॉइंट में, एंकल जॉइंट में कहाँ पे भी पेन ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने आके उसके लिए सलाह लेके एक्सरेज अगर ज़रूरत है तो उसके MRIs कर लेनी चाहिए, क्योंकि अर्ली द डायग्नोसिस इन योर हैंड देयर आर द ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट। इफ़ आप लेट करेंगे तो उसमें और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे और फिर आपको परमानेंट मोडेलिटी मतलब जैसे अगर यंग एज में भी पेशेंट को अगर टोटली रिप्लेसमेंट करना पड़ा बिकॉज टू गेन अगेन फंक्शनल प्रॉपरली वो उसका डेली एक्टिविटीज़ कर पाए तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो हम इम्प्लांट डालते हैं उसकी लाइफ मैक्सिमम 25 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स के कुछ यंग पेशेंट्स के लिए इम्प्लांट है, लेकिन उसके बाद में उसको और रिविजन टोटली रिप्लेसमेंट कर पड़ सकता है, इसलिए इसका जल्दी डायग्नोसिस करो। सेकेंड चीज़ जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, इफ़ सपोज़ आपको किसी भी कारण से हाइपरलिपिडेमिया है, आप ओबेज हो, फैटी हो, आपको बाकी दो एक बीमारियां हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स है जैसे मैंने बाकी गिनवाए, रिनल डिसऑर्डर्स है, सो उसके लिए उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास जाके आप इसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट ले लो, बिकॉज कोविड तो एक फैक्टर है लेकिन कोविड छोड़ के जो बाकी के फैक्टर्स है वो भी इसको एग्रीवेट करते हैं। सो इसलिए एवियन से बचना हो, बोन डेथ से बचना हो तो आपका जो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो आप रेगुलर लेना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह ज़रूर जल्दी लीजिए। धन्यवाद सर, काफ़ी हमारे दर्शकों को एवियन के बारे में आपने बताया। हम इसी तरह आपसे हर एक विषय पे चर्चा करें। कपिल पोरे सर से हम बहुत ही जल्दी हिप के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि हिप जॉइंट को कैसा हम प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।